हे एवरीवन, स्टडी आइस में आपका स्वागत है और मैं वापस आ गया हूँ टॉपिक इन न्यूज़ के एक और एपिसोड के साथ। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है पीएम मोदी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और किंगडाओ डिक्लेरेशन के बारे में। तो मतलब आज हम इन तीनों चीज़ों को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे, एससीओ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इंडिया के लिए क्यों इस बारी की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे खास रीज़न यह है कि इंडिया रिसेंटली एक परमानेंट मेंबर बना है एससीओ का, तो इसी वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनका एससीओ की मीटिंग में जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2018 की समिट हो रही है किंगडाओ ईस्टर्न शेंगडोंग प्रोविंस चाइना के अंदर, जून 2018 के अंदर। करेंटली ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की समिट है वो चल रही है। दूसरी चीज़ जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है वो ये है कि इंडिया ने ज्वाइन किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एज अ फुल टाइम मेंबर ऑन 9th of June 2017। कहाँ ज्वाइन किया था? देखो, अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर 2017 की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट चल रही थी। वहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि इंडिया को एज वेल एज पाकिस्तान को फुल टाइम मेंबरशिप दी जाएगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब डिस्कशन में ले लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डिटेल्स। तो सबसे पहली चीज़, इसको हम लोग शंघाई पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्यूरेशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एज वेल एज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तीनों चीज़ों पे वर्क करती है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और सिक्योरिटिकली भी। इसको क्रिएट किया गया था ऑन 15th of June 2001 शंघाई चाइना के अंदर, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब इसको क्रिएट किया गया था, उस मेंबर्स थे इसके चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है उसको साइन किया गया जून 2002 में, और फाइनली जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर है वो इनफोर्स आया 19th of September 2003 को। देखो, एक पहले ग्रुप था जिसका नाम था शंघाई 5 ग्रुप। उस शंघाई 5 ग्रुप के मेंबर थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। और ये जो शंघाई 5 ग्रुप है इसको फाउंड किया गया था ऑन 26th of April 1996 शंघाई के अंदर। तो बेसिकली ये जो शंघाई 5 ग्रुप है प्लस उज्बेकिस्तान, ये सब एक मोटिव पे आए कि हमें क्रिएट करना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। करेंटली अगर हम लोग बात करें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की टोटल परमानेंट मेंबरशिप की, तो जितनी भी कंट्री हैं उनका मैप आपके स्क्रीन पे आ रहा है, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब देखो, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 2017 के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फुल टाइम मेंबरशिप है वो हो गई 8 कंट्रीज़ की। अब जो हम जो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग द इंडिया एंड पाकिस्तान, अमाउंट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, वर्ल्ड की जीडीपी का 25% इंक्लूड करते हैं। इसके साथ साथ 80% ऑफ द यूरेशियन लैंड मास और अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जनसंख्या का आधी जनसंख्या अप्रॉक्सीमेटली मेंबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था दिस फुल टाइम मेंबर 9th of June 2017 को। इट इज़ द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल कवरेज, पॉपुलेशन एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम लोग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो। अब कुछ डिटेलिंग में एनालिसिस ले लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। देखो, वेस्टर्न मीडिया की अगर हम लोग माने तो वेस्टर्न मीडिया ये कहती है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया है टू काउंटर बैलेंस दी नाटो ग्रुप। जो नाटो ग्रुपिंग है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए किया गया है, जिससे जो रशिया और चाइना के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स अपना इंटरवेंशन, अपना इन्फ्लुएंस ना ला सके। आपको मेरे को एक और चीज़ बतानी है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने 2005 के अंदर एज अ ऑब्जर्वर मेंबर के लिए अप्लाई किया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा एक और एनालिसिस ये है अबाउट द जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर हम लोग बात करें ईरानियन राइटर हामिद गोलपिरा की, उन्होंने एक टॉपिक उठाया है जिसको हम लोग बिंग न्यू ब्रेजिंस्की
थ्योरी के नाम से जाते हैं। देखो यहाँ पे जो ब्रेजेंस्की की जो थ्योरी है वो कहती है कि अगर आपने यूरेशियन लैंडमास पे कंट्रोल कर लिया तो अप्रॉक्सीमेटली आप पूरे ग्लोबली डिनोमिनेट करते हो, पूरी ग्लोबली राज करते हो। देखो ये जो चीज़ें अगर हम इसे अपनी इंडियन हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल एशिया के अंदर जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा राज था, तो इसी तरीके से वो लोग कॉलोनियलिज्म फैला पाए पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। आज की डेट में 21st सेंचुरी में एशियन कंट्रीज़ का दबदबा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्रेंच की थ्योरी है उसको साबित करते हुए दिख रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो तो यूरेशियन लैंडमार्क की हमने बात करी कि मैक्सिमम यूरेशियन लैंडमार्क कवर हो रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज के पास, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल ले पाएंगे सेंट्रल एशिया का क्योंकि हमें कंट्रोल मिल रहा है यूरेशियन लैंडमार्क का। देखो अब यहाँ पे एक और अपडेट है जो आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, अप्रैल 2018 की ये करंट अफेयर्स की अपडेट है पीस मिशन के बारे में। तो देखो सबसे पहली बात इसमें यह है कि इंडिया और पाकिस्तान पार्टिसिपेट करने वाले हैं पीस मिशन के अंदर जो कि सितंबर 2018 में कंडक्ट होगा बाय रशिया। तो बेसिकली वहाँ पे हम लोग काउंटर टेरर एक एक्सरसाइज है जहाँ पे कि बाकी जो हमारे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं उनके अंदर अगर कोई टेररिज्म की समस्या आती है तो बाकी देश उसमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, द मिलिट्री एक्सरसाइज इज गोइंग टू प्लेस अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर ये हमारा जो पीस मिशन की जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया जाएगा। इंडिया की जो पार्टनरशिप है, इंडिया की जो मेंबरशिप है इस पर्टिकुलर पीस मिशन के अंदर, उसको कन्फर्म किया था हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बीजिंग चाइना के अंदर, क्योंकि उस समय हो रही थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग। अब देखो सवाल आता है कि पीस मिशन है क्या? देखो पीस मिशन एक काउंटर टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करी जाती है यूराल माउंटेन्स ऑफ रशिया के अंदर और उसके आसपास की जो एरिया है वहाँ पे जितनी भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज हैं वो इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पे अगर हम लोग मेन एम की बात करें कि मेन मकसद क्या है इस तरीके के पीस मिशन को कंडक्ट कराने का, तो वो यही है कि अगर काउंटर टेरर कोई होता है, हमको कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है तो किस तरीके से जितने भी 8 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेशन के साथ उस सिचुएशन को डील कर पाएंगे। ये सबसे पहली बार है जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान किसी एक मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो यूएन पीस कीपिंग मिशन होते हैं वहाँ तो हम लोग मिलते ही रहते हैं। अब बढ़ते हैं शंघाई कोऑपरेशन 2018 की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ कि क्या हुआ है वहाँ पे, क्या क्या अपडेट आए हैं एग्जाम के लिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट इन चाइना और यहाँ पे हमारा मेन गोल रहा टेररिज्म को काउंटर करना। काउंटर टेररिज्म हमारी हर बात में यही रहा कि हमें जो ग्लोबल टेररिज्म है उससे छुटकारा चाहिए और उसको हम लोग हर हालत में टेररिज्म को ख़त्म करके रहेंगे। दूसरी चीज़ आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी तरफ से बहुत सारे खराब पॉल्यूटेड वाटर आ रहा था अरुणाचल प्रदेश और असम के रीजन के आसपास, विलेजेस को बहुत ज़्यादा, इसमें जो उसके आसपास की विलेजेस हैं उनको बहुत सारा गंदा पानी मिल रहा था। तो उसके लिए इंडिया ने बात भी की थी चाइना के साथ, तो चाइना ने फाइनली एग्री कर लिया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेटा है उसको हम लोग शेयर करेंगे विद इंडिया, क्योंकि जो चाइना है वो एक अपस्ट्रीम नेशन है। अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो वो भी वहाँ पे कंडक्ट करेंगे सर्वे और हमें उसके जो डेटा है उसको शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MOU यहाँ पे साइन हुआ है बिटवीन द चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स और इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर के बीच में। अब जो यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है वो हुआ है ऑन फाइटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्टिंग राइस फ्रॉम इंडिया टू चाइना। तो चाइना वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट राइस मार्केट है, पर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम सिर्फ अपनी बासमती राइस को ही चाइना में एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अब इस MOU के बाद हमारी जो बाकी राइस हैं, जैसे हम लोग सांबा मसूरी के बारे में भी पढ़ रहे थे, उसको भी हम लोग चाइना के पास एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे 2006 प्रोटोकॉल ऑन फाइटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्टिंग राइस फ्रॉम इंडिया टू चाइना की, जिसको अब अमेंड कर दिया गया है कि अब हम लोग नॉन बासमती वेराइटीज ऑफ राइस भी इंडिया से चाइना
की तरफ एक्सपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन बोली कि कनेक्टिविटी विद आर नेबर्स इज आर प्रायोरिटी। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा नेबरहुड है उसके साथ हमारा कनेक्शन रहे। यहाँ पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो डोकलाम का इशू रहा, इंडिया ने सबसे पहली बार इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, उसके बाद चाइना का जो इंडिया की तरफ स्टैंड है वो कहीं ना कहीं पीसफुल रहा है। वो समझ गया है कि इंडिया अब एक हार्ड पावर के रूप में वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट एंड में ये आया है अबाउट द किंगडाओ डिक्लेरेशन। नाम किंगडाओ डिक्लेरेशन इसलिए क्योंकि किंगडाओ में चल रही थी समिट ऑफ 2018 ऑफ SCO और इंडिया ने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम लोग एंडोर्स नहीं करेंगे वन बेल्ट वन रोड को। यहाँ पे जो हमने रीज़न दिया वो रीज़न दिया है कि चाहे वो वन बेल्ट वन रोड हो या जिसको हम सिल्क रोड प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, वो हमारी सोवेरिनिटी के ऊपर थ्रेट है, उसके ऊपर कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे जो CPEC है वो पास हो रही है फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। The 3000 किलोमीटर CPEC is aimed at connecting China and Pakistan with rail, road, pipelines and optical fiber network. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद रखना। किंगडाओ डिक्लेरेशन को इंडिया ने फाइनली यहाँ पे मना किया है फिर से कि वन बेल्ट वन रोड को हम लोग एंडोर्स नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने 17 डॉक्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया इस पर्टिकुलर समिट के अंदर, जो कि पर्टिकुलर इंक्लूड करते हैं 2018 से 2022 तक का किस तरीके से हमारा एक्शन प्लान रहने वाला है, टू इंप्लीमेंट द ट्रीटी फॉर लॉन्ग टर्म गुड नेबरली रिलेशंस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन द SCO स्टेट्स। इसके साथ साथ 2019 से 2020 का एक प्रोग्राम भी यहाँ पे साइन किया गया, इनकाउंटरिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पे इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है टेररिज्म, क्योंकि इंडिया यहाँ पे पूरे की पूरी समिट में टेररिज्म को मुद्दा हमने बना के रखा। इसके साथ साथ लीडर्स ने एक और डिसीजन साइन किया है, हमने अप्रूव कर दिया है, जितनी भी SCO की कंट्रीज थी उन्होंने अप्रूव कर दिया है 2018 से 2023 तक की एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी, जो कि एक एक्शन प्लान है जिसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट हम लोगों ने साइन किए जो कि हमारे एग्जाम के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, मुझे कोई भी बात कहनी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर देना। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।